कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी जलती धूप में चलकर देख लेना। कैसी होती है मुल्क की हिफाजत, कभी शरद पे चल के देख लेना। नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा की जीरो लाइन पर बर्फीले तूफान की चपेट में आकर शहीद हुए 24 वर्षीय राइफलमैन अक्षय पठानिया की तिरंगे में लिपटी पार्थिव देह उनके पैतृक गांव चाकण पहुंची, जहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। मामून कैंट से आई सेना की 9 जैक राइफल के जवानों ने शस्त्र उठाकर हवा में गोलियां दागते हुए बीगुल की गौरवशाली धुन के साथ उन्हें सलामी दी। अरुणाचल प्रदेश में मौसम बेहद खराब होने के कारण शहीद का पार्थिव शरीर इतने दिनों बाद अपने गांव पहुंच पाया। आज सेना के AN-32 विमान के जरिए ताजपुर से एयरलिफ्ट कर उन्हें पठानकोट एयरपोर्ट स्टेशन लाया गया। उसके पश्चात सेना के वाहन के जरिए उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव तक पहुंचाया गया। शहीद राइफलमैन अक्षय पठानिया की तिरंगे में लिपटी पार्थिव देह जब गांव चाकंड पहुंची तो सामूहिक गांव वासियों की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। पत्थर की मूर्ति बनी अक्षय की माता रितु पठानिया ने जब ताबूत में बंद बेटे को देखा तो उसकी करुणामयी चीखे पहाड़ों का कलेजा छलनी कर रही थी। माँ बोल उठी, अक्षय देख, तेरी माँ तुझे पुकार रही है। आज तू माँ का हाल नहीं पूछेगा, आज क्यों तू गहरी नींद सो गया है। माँ की यह बातें सुनकर हर किसी की आंखें नम हो उठी। माँ ने जब शहीद बेटे के सिर पर सहरा सजावा, उसकी अर्थी को कंधा देकर उसे अंतिम विदाई दी तो सारा गाँव शहीद की बहादुर माता जिंदाबाद के जयघोष से गूंज उठा। वहीं बहन रवीना पठानिया व भाई अमित पठानिया ने जब तिरंगे में लिपटे अपने छोटे भाई अक्षय को देखा तो वो रोते हुए कहने लगे कि आज उनकी एक भुजा उनसे जुदा हो गई, उसके बिना हमारी दुनिया ही उजड़ गई। शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी ने कहा है कि धार ब्लॉक एक ऐसा गांव है जो सैनिकों और स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से मशहूर है। इस गांव के कई लोग देश सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं और कई सेना से सेवानियुक्त हो चुके हैं। इस गांव के सैनिकों ने 1965 और 1971 भारत पाकिस्तान की जंग में भी अपनी वीरता के जौहर दिखाया था, लेकिन आज तक कोई जवान शहीद नहीं हुआ था। अक्षय पठानिया को गांव चाकण के पहले शहीद के तौर पर जाना जाएगा। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि शहीद राइफलमैन अक्षय पठानिया की याद में गांव में एक यादगार गेट बनाने के साथ साथ सरकारी स्कूल का नाम इनके नाम पर रखा जाए, ताकि यहां के युवा पीढ़ी उनके बलिदान से प्रेरणा लेते हुए भारतीय सेना में भर्ती होकर राष्ट्र निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दे सके। शहीद अक्षय पठानिया की पार्थिव देह को लेकर जब सेना के जवान एयरपोर्ट से लेकर उसके गांव की तरफ जाने लगे तो एयरफोर्स स्टेशन के गेट के बाहर सैकड़ों युवाओं ने हाथों में तिरंगे लिए अपने क्षेत्र के लाडले की शहादत को नमन किया तथा सैन्य वाहन के आगे मोटरसाइकिल के काफिले के साथ गांव तक उनके पार्थिव देह ले जाई गई। जिस रास्ते से शहीद अक्षय पठानिया की तिरंगे में लिपटी पार्थिव देह गुजरी, लोगों ने फूलों की बरसात कर शहीद को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान लोगों ने जब तक सोरा चांद रहेंगे अक्षय तेरा नाम रहेगा, शहीद अक्षय पठानिया अमर रहे, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारत माता की जय घोष के नारे लगाते हुए शहीद को श्रद्धांजलि दी। तो दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि शहीद जवान अक्षय पठानिया की आत्मा को भगवान शांति दे, साथ ही इस दुखद घड़ी में उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता दे। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक वीर जवान आपका नाम रहेगा। फौजी की मौत पर परिवार को दुख कम और गर्व ज़्यादा होता है। ऐसे सपूतों को जन्म देकर माँ का कोख भी धन्य हो जाता है, जिसकी वजह से हम चैन से सोते हैं। आओ कसम खाएं उन शहीदों की कि हम हर पल एक सच्चे भारतीय बनकर अपना फर्ज निभाएंगे।
जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती माँ का कर चुकाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें, उन शहीदों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।